हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस टुडे वी विल रीड लेसन नंबर टेन ऑफ इंग्लिश रीडर टेक्स्ट बुक मिस्ट्री ऑफ शीव्स सो लेट्स रीड द प्ले सीन वन सीन इज सेट इन अ विलेज नियर बगदाद ये जो सीन है ये कहाँ पे हुआ था बगदाद के नज़दीक एक विलेज है ये वहाँ का सीन है टू ब्रदर्स दो भाई थे आकिब एंड राकेब रिटर्न होम आफ्टर द हार्वेस्ट फेस्टिवल अपने घर वापस जा रहे थे हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद में आकिब अराइव्स होम आकिब अपने घर पहुंच जाता है हिज़ वाइफ सलमा इज़ वेटिंग फॉर हिम एट द डोर उसकी वाइफ सलमा उसका गेट पे ही वेट कर रही होती है सलमा बोलती है वेलकम बैक डियर हस्बैंड यू लुक टायर्ड बट हैपी आप थके थके से लग रहे हो बट बहुत खुश भी लग रहे हो सो so, आकिब तो आकिब क्या कहता है येस डियर सलमा हाँ डियर सलमा आई एम हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ एज दिस ईयर हार्वेस्ट इज बेटर देन द लास्ट ईयर तो इस साल जो फसल हुई है वो पिछले साल से ज़्यादा अच्छी हुई है वी हैव एन अ फूड फॉर द होल ईयर हमारे पास पूरे साल के लिए बहुत खाना है इस पर आई हैव वन विश हावर फिर भी मेरी एक विश है सलमा एंड वॉट इज़ दैट तो सर मैं पूछते हैं कि आपकी क्या विश है तो आपकी आकिब कहता है माई ब्रदर राकिब इज़ यंग मेरा भाई राकिब जो है वो छोटा एंड हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिम और उसका कोई भी नहीं है जो उसकी देखभाल करे ही शुड स्पेंड केयरफुली एंड सेव मनी फॉर द फ्यूचर तो उससे ध्यान से खर्च करना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए पैसा भी सेव करना चाहिए आई थिंक आई मस्ट एड शीव्स ऑफ वीट एट नाइट फ्रॉम आवर आर स्टोर टू हिज तो कहते मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने शीव्स होता है बंडल्स तो कहता मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना रात को अपने स्टोर में से कुछ बंडल्स को निकाल करके उसके वीट में उसका जो अनाज है उसमें ऐड कर देता हूँ आई नो ही विल नॉट एक्सेप्ट द शीव्स इफ आई ऑफर देम टू हिम कहते हैं मुझे पता है कि उसने ऐसे तो लेना नहीं है अगर मैं उसे ऑफर करूँगा बट दिस वे ही विल नॉट नो एंड ही कैन अर्न मोर बाई एडिड शीव्स और कहते हैं अगर मैं इस तरीके से चोरी छिपे उसके स्टोर uh, में रखा होगा तो उस वो उसको सेल करके और भी ज्यादा पैसा कमा सकता है व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस टाइप ऑफ हेल्प तो तुम क्या कहती हो कि क्या इस तरह की हेल्प की जानी चाहिए तो सलमा कहती है आई एम विद यू इन दिस काइंड एक्ट कहते हैं मैं इस तरह के काम में आपके साथ हूँ आई नो हाउ मच यू लव योर यंगर ब्रदर कहती मैं जानती हूँ आप अपने छोटे भाई से कितना प्यार करते हैं आकिब विल देन आई विल ब्रिंक शीव्स फ्रॉम आर स्टोर एंड एट दैम राकेब्स बान टू नाइट वेन ही स्लीप तो कहते ठीक है फिर मैं ऐसा करूँगा कि आज रात को अपने स्टोर में से वो शीव्स बंडल्स वीट के बंडल्स उठा लाऊँगा और राकेब के उसमें बान में रख दूँगा जब वो सो जाएगा आफ्टर अबाउट थ्री आवर्स तीन घंटे बाद में आकिब टेक्स द शीव टू हिज ब्रदर्स बान तो आकिब क्या है वो ले आता है वो शीव्स को बंडल्स को अपने भाई के बांध में ऑन द अदर साइड ऑफ द विलेज राकेब टेक्स अ लुक एट हिज हार्वेस्ट इन द बांध तो दूसरी साइड ऑन द अदर साइड ऑफ द विलेज गांव की दूसरी तरफ राकेब टेक्स अ लुक एट हिज हार्वेस्ट तो राकेब अपनी खुद की फसल को देख रहा होता है जो उसकी बांध में होती है राकिब माई एल्डर ब्रदर राकिब इज सो काइंड टू मी तो राकिब कहता है कि मेरा एल्डर ब्रदर राकेब जो है वो मेरे लिए बहुत ही काइंड है ही टेक्स केयर ऑफ मी लाइक अ फादर वो मेरा अपने एक पिता की तरह है, ध्यान रखता है ही हैज़ टू वर्क टू हार्ड एज ही हैज़ टू लुक आफ्टर हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन कहते हैं उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसे अपनी बीवी और दो बच्चों की भी देखभाल करनी है उनका भी खर्चा चलाना है आई मस्ट हेल्प हिम तो राकिब सोचता है कि मैं भी उसकी हेल्प करूं बट आई नो ही विल नॉट एक्सेप्ट माय डायरेक्ट हेल्प हेल्प कहते हैं मुझे पता है कि वो मेरी डायरेक्ट हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करेगा आई मस्ट गो अक्रॉस इन द नाइट विद सम ऑफ माय शीव्स तो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं रात को कुछ शीव्स कुछ बंडल्स उसके उठा करके ले जाऊँ वीट के और उसके बाँध में रख दूँ राकिब कैरीज आउट हिज प्लान एंड टेक सम ऑफ द शीव्स टू आकििब्स बान तो राकिब क्या करता है कुछ बंडल्स उठाता है और आकिब के बार बान में शीव्स वहाँ पे एड ऑन कर देता है वहाँ पे ले जाता है तो राकिब आकिब के बारे में सोचता है और आकिब राकिब के बारे में सोचता है तो वो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के बारे में कि मैं अपने बंडल वहाँ रख देता हूँ उसकी हेल्प हो जाएगी और राकिब सोचता है कि मैं आकिब की हेल्प कर देता हूँ उसकी हेल्प हो जाएगी देन नेक्स्ट मॉर्निंग ईच ब्रदर गोज टू हिज स्टोर तो नेक्स्ट मॉर्निंग हर भाई अपने स्टोर में जाता है एंड टेक अ लुक एट हिज हारवेस्ट और अपनी फसल देखते हैं ईच वन ऑफ दैम इज़ सरप्राइज तो दोनों के दोनों भाई सरप्राइज हो जाते हैं राकेब राकेब कन्फ्यूज हाउ इज इट हाउ इज़ दिस पॉसिबल ये कैसे पॉसिबल है माई शीव्स री मे इन द सेम मेरी शीव्स तो वैसे ही वैसे उतनी पड़ी हैं डिड आई मेक अ मिस्टेक इन काउंटिंग द शीव क्या मैंने शीवस को क्या मैंने उन बंडल्स को काउंट करने में कोई गलती की है वे लेट मी टेक द शीवस टू माई ब्रदर्स बार्न अगेन टू नाइट कहते हैं मैं आज रात को फिर से बांध लेके अपने भाई के स्टोर में जाता हूँ ऑन द अदर साइड राकेब लुक्स एट द शीव इन स्टोर दूसरी साइड राकेब अपनी शीव्स देखता है जो उसके स्टोर में पड़ी होती हैं देन राकेब द नंबर ऑफ शीव्स इज द सेम एज बिफोर कहते हैं कि ये शीव्स तो उतनी हैं जितनी पहले थी हाउ कैन इट दैट बी ये कैसे हो सकता है डिडेंट आई टेक सम ऑफ माई ब्रदर्स बान यस्टरडे क्या मैं अपने भाई के बां भाँग में कल नहीं लेके गया वॉज आई सो स्लिपी दैट कहते क्या मैं इतनी नींद में था आई ब्रॉड द शीज़ बैक टू माई ऑन बान के मैं अपने ही बांध में दोबारा से वो शूज़ उठा के ले आया वेल टू नाइट आई शेल नॉट बी सो स्लिपी कहते आज रात को मैं पूरी होशो अवास में जाके ये रख के आऊँगा अब वो पूरी तो हो नहीं थी वो इसलिए क्योंकि ये राकेब ने आकिब के स्टोर में रख दी और आकिब ने राकेब ही स्टोर में ठीक है तो वो इक्वल हो गई कि उसने सोचा कि मैं चार उसको एक्स्ट्रा दे देता हूँ और उसने भी सोचा कि मैं चार एक्स्ट्रा तो वो दोनों की तो बैलेंस्ड हो गई ना दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे बट दोनों इस चीज़ से अनअवेयर थे दोनों की ये चीज़ नहीं पता थी